नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो प्रदेश के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन, इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के एरियर पर बात करने वाले हैं, तो क्या ये तमाम खबर रहेगी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक। तो पुरानी पेंशन बहाल करने वाले राज्यों को केंद्र से नहीं मिलेगा अतिरिक्त कर्ज। हिमाचल प्रदेश में 20 साल बाद पुरानी पेंशन को बहाल करने का दांव राज्य सरकार पर महंगा पड़ता जा रहा है। इसके तहत गंभीर वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहे राज्य को केंद्र सरकार से मिलने वाले अतिरिक्त कर्ज पर कैंची चल सकती है, क्योंकि नियमों को बदलने के बाद इसका प्रावधान किया गया है। इससे हिमाचल प्रदेश सहित उन सभी राज्यों को अतिरिक्त कर्ज नहीं मिल पाएगा जिन्होंने NPS के स्थान पर OPS को लागू करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार कानूनी दलील देते हुए 1,36,000 NPS कर्मचारियों के हिस्से के 8,000 करोड़ रुपए देने से भी इनकार कर रही है। इस सिलसिले में प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को जो पत्र लिखा था उसका संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार पूर्व सरकार हिमाचल प्रदेश पर 86,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर गई है। इसमें पूर्व सरकार के समय तक राज्य पर चढ़ा 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज तथा कर्मचारी पेंशनरों के एरियर व DA के 11,000 करोड़ रुपए बकाया प्रमुख है। सरकार का कहना है कि खजाना खाली होने के कारण उसे आते ही 1,500 करोड़ रुपए कर्ज लेना पड़ा और मार्च तक 1,500 करोड़ रुपए कर्ज फिर लेना पड़ेगा, तभी सरकारी खर्चों को पूरा किया जा सकेगा। वहीं नई व्यवस्था के तहत अब NPS कर्मचारी अपनी राशि को नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि कंपनी ने इस विकल्प को हटा दिया है। पहले कर्मचारी 25% तक यह राशि निकाल सकते थे, जिसकी एवज में बाद में उनकी पेंशन में कटौती की जाती थी। वित्तीय संकट के कारण सरकार ने कर्मचारियों व पेंशनरों को नए वेतनमान के एरियर की राशि भी फिलहाल रोक दी है। अब इस राशि के लिए 1 से 2 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। इसी तरह केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को DA की 2 किस्तें, जिसमें 3% व 4% भी अदा नहीं हो पाई है। तो यही है बड़ी विशेष खबर कि हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राज्यों को केंद्र से अतिरिक्त कर्जा नहीं मिल पाएगा। दूसरी ओर कर्मचारियों को एरियर के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी के लिए यही है बड़ी खास खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।